हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। और आज की वीडियो में आप से शेयर करने वाले हैं एक ऐसी प्रीमियम एसयूवी, एक पेट्रोल एसयूवी अगर आप प्लान कर रहे हो तो ये गाड़ी आपके लिए डेफिनेटली हो सकती है, और अगर एक प्रीमियम एसयूवी आप प्लान कर रहे हो तो भी ये गाड़ी आपके लिए हो सकती है। मतलब ये है स्कोडा की कुशाक। और प्रीमियमनेस की बात करें तो स्कोडा भाई अपनी इसी चीज़ के लिए जानी जाती है कि उनकी हर चीज़ जो प्रीमियम फील होती है। और अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो डेफिनेटली सेगमेंट में और भी गाड़ियां हैं बट रिच बहुत ज़्यादा फील होती है। तो ये इसका स्टाइल ऑटोमेटिक वेरिएंट है, और इसकी एक्सशोरूम कीमत की बात करें तो ऑलमोस्ट 16,09,000 के आसपास पड़ता है, और ऑन रोड की बात करें तो ऑलमोस्ट 18-18.5 लाख के आसपास ऑन रोड आपको दिल्ली में पड़ जाता है। तो ये है इसकी प्राइसिंग्स। और अभी इस गाड़ी के बारे में आपको बताते हैं कि अगर आज के टाइम में टिल 2022 अगर आप प्लान करते हो एक पेट्रोल एसयूवी तो आपको क्या क्या ऑफर कर देती है, उस क्राइटेरिया में कहां तक जा पाती है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना और आगे भी शेयर करना और एंड तक जरूर देखना। बाकी गाड़ी की चाबी से स्टार्ट कर लेते हैं सभी फीचर्स के बारे में कि आपको ऑफर क्या क्या कर देती है ये। तो ये कुछ इस तरीके की चाबी मिलती है। यहाँ पे इस लोगो की जो वैल्यू है भाई वो मतलब अनमैचेबल है कि ये लोगो जहाँ आ गया वहाँ पे प्रीमियमनेस भर भर के मिलती है। और यहाँ पे कुछ इस तरीके की मिलती है चाबी। यहाँ पे 3 कंट्रोल्स आपको मिलते हैं डोर्स को लॉक करने के लिए, अनलॉक करने के लिए, बूट अनलॉक करने के लिए, खोलना आपको मैनुअली पड़ेगा। यहाँ पे फिजिकल की भी मिलती है 4 इमरजेंसी केस, बट इसके अंदर कीलेस एंट्री आपको मिल जाती है, तो ये स्पेशल चाबी के लिए ये मेरे हिसाब से जगह। तो यहाँ पे मिलती है, यहाँ मिलती है आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन कुछ इस तरीके से, जिसे आप एक बार प्रेस कर दोगे तो ये पूरा कॉकपिट जो है ग्लो कर जाता है यहाँ पे, और जब दोबारा प्रेस करोगे तो स्टार्ट हो जाएगी गाड़ी, बट हमें स्टार्ट नहीं करनी है। तो यहाँ पे बात करें इस क्लस्टर के बारे में तो यहाँ पे मतलब पूरा डिजिटल पैनल आपको देखने के लिए मिलता है। एक बार दिखाता हूँ, देखो ये देखो कुछ इस तरीके से ग्लो कर जाता है। और यहाँ पे जितनी भी चीज़ें आपको डिजिटली देखने के लिए मिलती है, इवन यहाँ पे टेम्परेचर, फ्यूल वगैरह ये भी डिजिटल मिलते हैं, स्पीड वगैरह सारी चीज़ें डिजिटल मिलती हैं। अब ये चीज़ें ना यहाँ से चेंज भी हो जाती हैं, एक सेकेंड बस आपको दिखाता हूँ करके, ये देखो ये मतलब भाई पूरा चेंज हो जाता है। यहाँ से आप सारी चीज़ें इसकी चेंज कर सकते हो, ये पूरा इस बटन के थ्रू, और ये अंदर की साइड ऐसे प्रेस करके भी, और यहाँ से इन्फॉर्मेशन वगैरह आपकी हो जाती है, मतलब बहुत स्मूथिंग है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। और यहाँ पे मिलता है गाड़ी में क्रूज़ कंट्रोल, इंडिकेटर्स वगैरह भी आप यहीं से ही हैंडल करोगे अपने। यहाँ पे अपना वाइपर्स के कंट्रोल आपको देखने के लिए मिलते हैं, और ये ऑटोमेटिक वाला वेरिएंट है तो यहाँ पे अपना पेडल शिफ्टर्स भी आपको इंट्रोड्यूस हो जाते हैं इसके अंदर कुछ इस तरीके से। और स्टेयरिंग की बात करें तो कुछ इस तरीके का मिलता है, बहुत ही ज़्यादा रिच स्टेयरिंग व्हील, मतलब इसकी फील ही कुछ नेक्स्ट लेवल है। मतलब किसी भी चीज़ को देख लो, इवन एक क्रोम लाइनिंग्स वगैरह हैं, ये चीज़ें हैं बहुत मतलब एकदम टेक्टाइल फील होती हैं, टिक 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 की आवाज़ आती है, बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता है। यहाँ स्कोडा का लोगो है, एयरबैग की बैजिंग है, और ये कुछ इस तरीके का मिलता है स्टेयरिंग व्हील। और इसकी एडजस्टमेंट की बात करें तो ये टिल्ट है और टेलीस्कोपिक भी है, और काफ़ी स्मूथ है, एक हाथ से ही हो जाता है, तो इसके अंदर भी कोई एफर्ट आपको नहीं डालना है। डैशबोर्ड दिखाता हूँ एक सेकंड में, यहाँ से देखोगे तो यहाँ पे वैनिटी मिरर है, एयरबैग की बैजिंग है, काफ़ी प्रैक्टिकल सी और काफ़ी बड़ी सी सनरूफ मिलती है, तो आप इसे यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पे मिलते हैं लाइट्स के कंट्रोल, व्हाइट लाइट कुछ इस तरीके की मिलेंगी, एक ऑटो डिमिंग IRVM है, यहाँ पे टिकट होल्डर की प्लेसमेंट मिल जाती है। और ये देखो डैशबोर्ड, मतलब वीडियो में तो आपको एक नॉर्मल सा डैशबोर्ड लग रहा होगा, मतलब कि भाई देखा तो हुआ ही है, कितनी बार देखा हुआ है, बट भाई जो फील है वो वीडियो में नहीं मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता कैसी है। किसी भी चीज़ को फील करना, कहीं पे भी किसी भी चीज़ का फीडबैक, मतलब वो बहुत एकदम स्मूथ है। ये देखो भाई, मतलब देख रहे हो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट है, बहुत ज़्यादा एक्यूरेट है। तो ये है डैशबोर्ड, ऊपर साइड से ब्लैक है, ये थोड़ा पैटर्न फिनिश यहाँ पे मिलती है, ये अपना ग्लॉसी पैनल मिलता है, स्कोडा लिखा हुआ मिलता है यहाँ पे कुछ इस तरीके से ये है। और इसके नीचे यहाँ पे एम्बिएंट लाइट भी मिलती है व्हाइट कलर की। तो ये और यहाँ पे मिलता है अपने टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम जो कि एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कार प्ले को सपोर्ट करता है, और ये फिजिकल नॉइज भी यहाँ पे मिल जाते हैं। AC वेंट्स हैं यहाँ पे, और इधर की साइड कंट्रोल्स मिलते हैं ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल के, और पूरा टच पैनल मिलता है, मतलब कि ये देखो, और इतना मतलब एकदम एक्यूरेट है कि हाँ भाई हाथ लगा और एक काम करेगा ही करेगा। वेंटिलेटेड सीट्स मिल जाती हैं आपको फ्रंट की दोनों, यहाँ पे आइडियल स्टार्ट स्टॉप वाली बटन है, डोर्स के लॉक की बटन है, हैजार्ड लाइट की बटन है, और ये एयर प्योरीफायर भी इसके अंदर आता है, ये देखो लिखा भी हुआ है। मतलब स्कोडा ऐसी चीज़ों को ज़्यादा हाईलाइट ही नहीं करती, जो मतलब और बहुत सी कंपनियाँ जो इस चीज़ को बहुत बड़ा फीचर मानती हैं,
तो यहाँ पे वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाता है, दो टाइप सी पोर्ट मिलते हैं आगे, एक 12 का चार्जिंग सॉकेट है कुछ इस तरीके का, और एक कुछ इस तरीके का मिलता है ऑटोमेटिक गियर लिवर, और इसके अंदर भी आपको लाइट दिख रही होगी, ये देखो मस्त है भाई कुल मिला के, और फील भी काफ़ी अमेजिंग है। सबसे बड़ी चीज़ वो ही है, बंदा पैसे खर्च करता है वो फील के लिए करता है, तो वो फील आती है गाड़ी के अंदर। यहाँ पे अपना हैंड ब्रेक क्रोम टिप के साथ, चाय वगैरह रखने के लिए अपना स्पेस मिल जाती है। यहाँ पे कप होल्डर्स हैं, आर्म रेस्ट है, काफ़ी डिसेंट सी स्पेस तो नहीं कहेंगे इसे, काफ़ी डीप भाई, मतलब प्रैक्टिकल स्पेस मिल जाती है इसके अंदर। और इस लाइट वाला आर्म रेस्ट मिलता है कुछ इस तरीके का, ये देखो बढ़िया, और ये स्टिचिंग वगैरह आप देख सकते हो। और ये मिलती है जी कुछ सीट्स, और इनकी पोस्टिंग वगैरह आप देख लो, अभी दिखाऊंगा वो भी एक सेकंड में। और यहाँ पे मिलता है ग्लो बॉक्स, और एक कूल्ड ग्लो बॉक्स आपको मिलता है, और काफ़ी अच्छी स्पेस यहाँ पे भी मिल जाती है। नीचे एक साइड अपना दो पैडल्स हैं, एक्सेलरेशन ब्रेक और डेड पैडल के लिए अलग से प्लेसमेंट यहाँ पे दी हुई है। लाइट लेवलिंग डायल है, लाइट्स के कंट्रोल यहाँ पे मिल जाते हैं। और अभी सीट को कर लेता हूँ मेरी हाइट के हिसाब से एडजस्ट, और अभी चलते हैं पीछे और देखते हैं कि पीछे क्या क्या चीज़ें मिलती हैं और कैसा मतलब कम्फर्ट आपको पीछे मिलता है। उससे पहले डोर पैनल्स के बारे में बातचीत कर ले, तो अभी डोर पैनल्स के बारे में बातचीत करें तो यहाँ पे क्रोम डोर लिवर मिलता है, ग्लॉसी लाइनिंग्स वगैरह मिलती हैं, और जो बार बार मैं चीज़ कह रहा हूँ फील, वो भाई बहुत अमेजिंग है, बहुत अमेजिंग है। एक बार एक्सपीरियंस जरूर करना गाड़ी को, तभी आपको समझ में आएगा। यहाँ पे लेदर वगैरह देखने के लिए मिल जाता है, ये वाला चारों पावर विंडोज़ के कंट्रोल हैं कुछ इस तरीके के, ORM से कंट्रोल्स यहाँ पे मिल जाते हैं, विंडोज़ के लॉक हैं, यहाँ पे स्पीकर की प्लेसमेंट मिल जाती है, बोतल होल्डर है। और अभी आपको स्पेस वगैरह दिखाते हैं, तो ये सीट ऑलमोस्ट मैंने मेरी हाइट के हिसाब से एडजस्ट कर लिया, और ये 6-way मैनुअल एडजस्टिंग मिलती है, मतलब कि हाइट एडजस्टमेंट भी इसमें आपको मिल जाती है। तो अभी पीछे की स्पेस वगैरह दिखा देता हूँ आपको कि पीछे कितनी स्पेस बन जाती है। तो अभी पीछे जाने से पहले ये देख लो पीछे का डोर पैनल, यहाँ पे भी वही सेम अपना क्रोम का डोर लिवर है, पावर विंडो कंट्रोल, यहाँ पे भी लेदर वगैरह मिलता है, स्पीकर की प्लेसमेंट और काफ़ी प्रैक्टिकल सी बोतल होल्डर स्पेस मिल जाती है। और ये देखो भाई सीट्स वगैरह के पैटर्न देखो, और इसकी मतलब कुशनिंग वगैरह से आपको देख के आइडिया लग गया होगा कि कितनी ज़्यादा कम्फर्टेबल होने वाली है। और अभी अंदर की साइड चलें तो जो चीज़ बोली थी वो ही मिली है, काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल सीट्स हैं। और ये मेरे पास आप स्पेस देख सकते हो, 5-9 मेरी हाइट, और भाई बिल्कुल पैर फैला के थाई रूम वगैरह तो बहुत ही ज़्यादा नेक्स्ट लेवल है। और हेडरूम वगैरह भी आप देख सकते हो कितना मिलता है मेरे को, तो बहुत एकदम प्रैक्टिकल सी गाड़ी कहूँगा मैं इसे। और यहाँ पे पॉकेट्स वगैरह मिल जाती हैं दोनों ही सीट्स पे, यहाँ पे मिलते हैं अपने एसी वेंट्स, दो टाइप सी पोर्ट्स मिल जाते हैं पीछे, और एक मिनिमल सा हम पे, बाकी 3 बंदों को बैठने में कोई परेशानी नहीं होगी। ये लाइट जली हुई है, और रिफ्लेक्शन आप देख सकते हो हाथों पर, क्या बढ़िया लाइट जलती है एकदम। और ये कुछ ऐसा पैटर्न मिलता है यहाँ पे, और ये हो चुके हैं बंद, तो ये चीज़ सही लगी अपने आप में, मतलब कि अभी मैं बैठा था तो इस चक्कर में ऑन हुई और फिर बंद भी हो गया अपने आप। और यहाँ पे आर्मरेस्ट भी मिलता है आपको कुछ इस तरीके का, एक सेकंड दिखाते हैं, तो ये है। और यहाँ पे तो कप होल्डर्स भी मिल जाते हैं, और एक काफ़ी स्टडी पोजीशन पे आप देख सकते हो, लटक नहीं रहा नीचे की साइड, तो ये सी अपना सही है। यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 एडजस्टेड हेडरेस्ट मिलते हैं, और ये देख लो पीछे से कुछ ऐसा दिखता है डैशबोर्ड का व्यू, काफ़ी ज़्यादा शानदार, मतलब एक क्लास है इस गाड़ी की, ये प्रीमियम सेगमेंट में मतलब उतर जाती है धीरे 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 करते करते, हर चीज़ फील होने लग जाती है गाड़ी की। तो ये है जी कुछ, और अभी आपको बूट दिखा देता हूँ इस गाड़ी का कि बूट कैपेसिटी कैसी मिलती है, और फिर गाड़ी के बाहर की प्रोफाइल, लास्ट में अपना इंजन कंपार्टमेंट की बात करेंगे। सो अभी बूट कैपेसिटी की बात करें तो सिंपल से आप 2 सेकंड ऐसे होल्ड करके रखोगे तो ये अनलॉक हो जाएगा, और यहाँ पे मिलती है 385 लीटर्स की बूट कैपेसिटी, पार्सल ट्रे मिलती है, बूट लैंप है, फर्स्ट एड किट है, और ये अपना कवर वगैरह है, यहाँ पे हुक्स वगैरह मिल जाते हैं 3-3 ग्लो के अपना थोड़ा बहुत सामान हैंग करने के लिए। और इसी के नीचे मिलता है स्पेयर व्हील जो कि ये है, गुडियर का टायर है ये, और इसके टायर सेक्शन की बात करें तो 205/55/16 का कुछ ऐसा मिलेगा स्टील व्हील, और एक सेकंड इसे बंद कर देते हैं। और अभी बात करते हैं, और ये देखो 60/40 का ऑप्शन भी यहाँ पे मिल जाता है आपको, तो ये है पूरी बूट कैपेसिटी। और अभी फ्रंट प्रोफाइल से स्टार्ट करते हैं कि फ्रंट्स आपको क्या क्या ऑफर कर देती है। सो अभी बात करें कि ये कुशैक का स्टाइल वेरियंट आपको फ्रंट से क्या क्या ऑफर करता है, तो पहली बात आपको कट एंड क्रीजेज देख के समझ आ गया होगा कि रोड पर क्या मस्त लगी थी होगी भाई, ये मतलब एकदम स्मूथिंग डिज़ाइन है इसका। और अभी फ्रंट से यहाँ से स्टार्ट करें तो यहाँ पे DRLs वगैरह आपको मिल जाती हैं, प्रोजेक्टर बेस हेडलैम्प्स का सेटअप है, यहाँ पे इंडिकेटर्स हैं, और अंदर का जितना भी पोर्शन आप देख रहे हो सब ग्लॉसी ब्लैक मिलता है यहाँ पे, और मिल जाती है बल्ब की प्लेसमेंट, यहाँ पे क्रोम की लाइनिंग्स वगैरह देखने के लिए मिलती हैं। और ये गाड़ी की डायमेंशन आपकी स्क्रीन पर देख लेना कितनी लंबी ऊंची चौड़ी है ये, और कलर देखो भाई का मस्त शाइन कर रहा है, स्कोडा का लोगो है, काफ़ी बड़ी सी क्रोम ग्रिल मिलती है सामने से, नंबर प्लेट की प्लेसमेंट, और नीचे यहाँ पे अपना स्किड प्लेट का डिजाइन आपको देखने के लिए मिल जाता है। और साइड सेक्शन में तो साइड से देखो कुछ ऐसी दिखती है, यहाँ पे MRF के टायर्स मिलते हैं 205/55/17 के कुछ ऐसे मिलते हैं, मशीन कट अलॉय व्हील्स, यहाँ पे आगे डिस्क और पीछे आपको ड्रम ब्रेक्स ऑफर होती हैं, और यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा स्कोडा, बॉडी कलर ORPM इंडिकेटर्स के साथ हैं, इलेक्ट्रिकली फोल्ड एंड फोल्ड एडजस्ट हो जाते हैं,
दोनों ही साइड रखे सेंसर्स मिलते हैं और इनकी क्वालिटी भी आप देख सकते हो, मतलब हर चीज़ पे प्रीमियमनेस फील होती है। रूफ रेल्स मिलती हैं इसको, ऊपर की साइड एक सनरूफ भी आती है, अपना ग्लॉसी ब्लैक एक शार्पन एंटीना है, स्पॉयलर है, यहाँ पे स्टॉप लैंप है, डिफॉगर वाइपर दोनों चीज़ें मिलती हैं। और ये कुछ ऐसे मिलते हैं LED बेस्ड टेल लैंप्स, काफ़ी ज़्यादा मस्त, मतलब ये चीज़ LED है, ये दोनों हेलोजन ही है। यहाँ पर रिफ्लेक्टर्स की प्लेसमेंट है, कुशैक की बैजिंग मिलती है यहाँ पर, मतलब कुशैक लिखा हुआ मिलता है, कुशाक जो आप कहना चाहो वहाँ पे लिखा हुआ मिलता है, स्कोडा लिखा हुआ मिलता है ऐसे खुला खुला। यहाँ पे रिवर्स कैमरा की प्लेसमेंट है, नंबर प्लेट की प्लेसमेंट, 1, 2, 3 पार्किंग सेंसर्स हैं और ये अपना नीचे से फिर से वही डिज़ाइन यहाँ पे देखने के लिए मिलता है आपको। और अभी आपको इसका इंजन भी दिखा देता हूँ कि इंजन भी कैसे मिलता है और कितनी पावर आपको प्रोड्यूस करके देता है, तो एक साइड खोल लेते हैं फिर मिलते हैं। सो अभी बात करें इसके इंजन कंपार्टमेंट की, तो यहाँ पे इंसुलेशन पैडिंग वगैरह आपको तो नहीं मिलती है, बट यहाँ पे मिलता है 999 cc का टर्बो चार्ज पेट्रोल इंजन, 113 bhp निकालता है, 178 Nm का टॉर्क मिलता है और 15 की माइलेज कंपनी क्लेम करती है 50 लीटर के फ्यूल टैंक से। और यह है कुछ इंजन कंपार्टमेंट इसका, आप देख सकते हो, और हम बंद कर लेते हैं इसे, एक सेकंड फिर मिलते हैं। तो ये थे आपके सामने कुछ है स्टाइल वेरिएंट था इसका, अगर एक पेट्रोल इशू भी आप प्लान कर रहे हो तो डेफिनेटली आप इसे चेकआउट कर सकते हो। मतलब इस गाड़ी की प्रेजेंस आपको वीडियो में देख के समझ आ रहा होगी भाई कितनी प्रीमियम लगती है, मतलब बॉडी लैंग्वेज की डिज़ाइन लैंग्वेज ही थोड़ी सी ज़्यादा प्रीमियम है और सबसे अलग भी स्टैंड आउट करती है। तो ये आपको कैसी लगी बताना कमेंट्स में, इस गाड़ी को लेकर आपकी क्या राय है वो ज़रूर बताना कमेंट्स में, और हम फिर मिलते हैं ऐसी किसी वीडियो में। बाय बाय।